हाय जैम्स हाउ यू ऑल आर डूइंग मैं मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू ई विद्यार्थी डॉट इन एंड आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हों फिट एंड फाइन हो, बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हों अगर सब ठीक है तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ विच इज एग्जाम्पल नंबर सिक्स ऑन पेज नंबर वन थर्टी एंड सिक्स ठीक है क्या है क्वेश्चन में गुर क्वेश्चन को देखते हैं बट साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं ऑन व्हाट क्राइटेरिया यानी कि अब अगर हमें कहीं पर भी सिमिलैरिटी दिखानी होगी या फिर अगर हमें किसी भी साइड को इक्वल दिखाना है एंगल को इक्वल दिखाना है या फिर साइड्स का रेशियो शो करना है तो हमें ये शो करना होगा कि कौन सी क्राइटेरिया से आप उनको सिमिलर दिखा सकते हो ठीक है तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे अपने क्वेश्चन को तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में जो कि आपकी बुक में सिक्स पॉइंट थ्री वन नाम की फिगर है ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी डॉट तो आपको चार साइड्स के बारे में बोल तो रखा है बट उसको किसी भी प्रोपोर्शन में नहीं दिया ठीक है दूसरी बात आपको क्या करना है आपको शो करना है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है यानी कि दो ट्राइंगल्स जिनको मुझे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में रखना है वो कौन से ट्राइंगल्स होंगे ट्राइंगल ए डी और दूसरा ट्राइंगल सी ओ बी ठीक है तो सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारे कौन से दो ट्राइंगल्स पिक्चर में हैं जिनको हमें अपने सिमिलैरिटी दिखानी है तो अब मैं सबसे पहले देखो क्या करने वाली हूँ हमें ये गिवन है कि ओ ए डॉट ओ बी किसके बराबर है ओ सी डॉट ओ डी है ना इतना सही है कुछ भी ज़्यादा नहीं है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं है? भाई मुझे डॉट में तो पढ़ना ही नहीं है हम तो हमेशा रेशो को समझते हैं तो हम क्या करेंगे ओ ए और नीचे ले लो ओ सी अगर आप ध्यान से देखोगे अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना चाहते हैं या फिर इसको बराबर दिखाना चाहते हैं तो हम उन्हीं की साइड्स को कंसीडर करेंगे इसी वजह से मैंने ओ ए के नीचे कौन सी साइड ली है ओ सी क्लियर है तो ठीक है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी इसके आगे क्या बचा ओ डी यहीं का यहीं रहेगा और ओ डी के नीचे क्या आ जाएगा ओ बी तो आप देख रहे हो कि हमने अभी क्या शो कर दिया कि हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं चलो एक लाइन में यहाँ पर लिख देती हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ डी है ना एक तो ये वाला ट्रायंगल है ए ओ डी और एक है सी ओ बी ट्रायंगल सी ओ बी उसमें हम ये सब कर रहे हैं ठीक है तो अभी तक हमारा क्या हो गया कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं तो आपका ये ए ओ किसके बराबर है ए ओ अपॉन ओ सी हमारे डी ओ अपॉन बी ओ के इक्वल है अब हम क्या कर सकते हैं अब आप देखो जिन साइड्स को हमने दिखाया है उसके बीच में एक एंगल भी इक्वल है कौन सा एंगल इक्वल है अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों एंगल इक्वल है कैसे इक्वल है हम लिख सकते हैं ना एंड एंगल ए ओ डी मुझे अभी तक तो भाई फटाफट से रीजन आ जाना चाहिए मेरे कमेंट सेक्शन में कि एंगल ए ओ डी किसके बराबर है एंगल सी ओ बी के वाई बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्लियर हो गया आप सबको किस तरीके से किस तरीके से हमने जितना भी पहले पढ़ा है वो हमारे काम आता है देखो कि हमारा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए अभी तक हमने क्या दिखाया है ये साइड का रेशियो एक एंगल इक्वल दिखा दिया इस साइड का रेशियो हमने दिखा रखा है देयरफॉर हम सिंपली लिख सकते हैं हम सिंपली लिख सकते हैं कि हमारा जो दोनों ट्राइंगल्स हैं कौन से ट्राइंगल ए डी है ना ट्राइंगल ए ओडी किसके सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ बी के और उसका रीजन क्या लिखोगे उसका रीजन हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड यानि कि एक साइड ये हो गई फिर एंगल हो गया बीच में और फिर साइड हो गई तो बाय साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हमने ये शो कर दिया कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है ठीक है अब आपको पता है कि आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं यानी कि उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज एंगल ए किसके बराबर है एंगल सी के क्योंकि वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है सिमिलरली एंगल बी किसके बराबर है एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी मैंने डी क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कंसिडर किया ना तो इसलिए मैंने इसी ट्राइंगल का दूसरा एंगल कंसीडर करा तो एंगल डी किसके बराबर है एंगल बी के क्लियर हो गया आप सबको तो बस इतना ही दिखाना था हैंड्स प्रूफ और आप इसको प्रूव कर चुके हो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगी एक बड़े से एग्जांपल के साथ तब तक के लिए बढ़िया से खूब मजे से पढ़ाई करो मस्ती करो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑल uh, पढ़ाई मेक्स जैक डल बॉय नो ठीक है सो so मेरे चैम्पियंस बहुत मस्ती से अपनी पढ़ाई करे सब कुछ करे और आराम से हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर बु बाय